हाय एवरीवन, वेलकम माय न्यू अनदर ब्लॉग। आज है 8/4/2023 और आज है शनिवार का दिन। तो ईसाइयों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। कल है ईस्टर और आज ईस्टर का रात्रि जागरण मिसा पूजा है। तो मैं जा रहा हूँ अभी चर्च, रामपुर चर्च। तो चलिए बने रहिए। ज्योति गुणगान। अभी हम ज्योति गुणगान द्वारा ईश्वर के महान पास्का वरदानों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करेंगे। इस ज्योति गुणगान का विषय है क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पौत्र आत्मा, पौत्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पौत्र आत्मा द्वारा नवजन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। चौथा पाठ। जो बपतिस्मा ग्रहण करता है वह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा हमें पाप पर विजय पाने की शक्ति दी। इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमें एक नया जीवन जीना चाहिए जो ईश्वर को समर्पित और निष्पाप हो। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 3-11। पाठ का मूल अंश है, मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए
और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने आप को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह के लिए ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। चालीसा का काल समाप्त हो गया और चालीसा के समय जो हम उपवास परहेज करते थे और थोड़ा हम लोग मलिन रहते थे, लेकिन आज हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए अगल बगल में देखिए और हैप्पी ईस्टर बोलिए एक दूसरे को। अगल बगल में देखिए, जाग रहे हैं तो आज सबसे पहले मैं ईस्टर पर प्रकाश डालूं। हमारे सामने जो दिख रहा है कुछ चीजें जो अन्य मिसा पूजा में दिखाई नहीं देते हैं, उनके विषय में पहले मैं कहना चाहूंगा। जैसे पास का मोम, बगल में रखे गए आशीष पानी के पात्र या बर्तन, और आज हमने उद्घोषणा में हमने सुना कि इस पास्का काल में अलेलुया शब्द गूंजते रहेंगे, तो इनके विषय में मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो पास्का मोम यहां हम देखते हैं, हमने इसे नई आग से जलाई है, जिसको हमने प्रोसेशन में बड़े बड़ी भक्ति से स्कूल प्रांगण से हम यहाँ लाए, जिसके आदर सम्मान में हमने कम से कम आधा घंटे या 20 मिनट हमने खड़े होकर इस ज्योति का गुणगान किया और इस ज्योति के गुणगान में हमने समय दिया है। तो आइए हम इस पास का मोम के विषय में हम सुने। विश्वास में ये बढ़े तथा कलीसिया के सुयोग्य सदस्य बन जाएं। इन्हें धर्म सिखाना तथा उत्तम क्रिश्चियन आचरण का उदाहरण देना आप लोगों का कर्तव्य है। प्रिय धर्म माता पिताओं, आप भी इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप इन्हें ख्रीस्त का सुसमाचार जानने तथा उसके अनुसार आचरण करने में सहायता कीजिए। यहाँ उपस्थित मेरे सभी माता पिता भाई बहने मेरे साथ प्रार्थना करें और इन बच्चों को कलीसिया की गोद में साहस ग्रहण करें। आप लोग अपने बच्चे को कौन सा नाम देना चाहते हैं?
आप एरिक जॉय टॉपको के लिए ईश्वर की कलिश्चर से क्या मांगते हैं? आप अपने बच्चे को कौन सा नाम देना चाहते हैं? आप एल्विन बड़ा के लिए ईश्वर की कलिश्चर से क्या मांगते हैं? आप लोगों ने अपने बच्चों को बपतिस्मा देने का निवेदन किया है, ऐसा करने से आप लोग अपने बच्चे को कैथोलिक धर्म के अनुसार आचरण करने की शिक्षा देने का भार उठा रहे हैं कि आपके बच्चे ईश्वर की आज्ञा माने अर्थात ईश्वर तथा पड़ोसी को प्यार करें जैसे ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। क्या आप अपनी जवाबदेही को साफ साफ समझ रहे हैं? क्या आप लोग इन धर्म माता पिता के लिए क्या आप लोग इन बच्चों के माता पिता को अपने कर्तव्य का पालन करने में सहायता देने को तैयार हैं? परिवार प्रियजनों और दुनिया भर के लिए हम प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। शरीर तथा रक्त बन जाए, उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो। प्रभु मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। Yeah.
इसलिए हे प्रभु हम तेरे पुत्र के मुक्ति पर दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वरोहण के स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलिसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर। चर्च हो गया है ख़त्म और मैं आ गया रूम और मैं लेके आया हूँ आशीष पानी जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। पांच का आशीष पानी छोटा मोटा बीमारी ऐसे ही चुमंतर हो जाते हैं। तो ये पवित्र मोम और आशीष किया हुआ पानी है। तो पास्का के बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। पास्का मतलब है पार करना, किसी भी चीज़ से हमको विजय प्राप्त करना, वही है पास्का। हमारे प्रभु यीशु मृत्यु को पार करके विजय प्राप्त किए और उसी के यादगार में हम हर वर्ष पास्का मनाते हैं। और जब भी हम किसी समस्या से आगे उभर कर आते हैं तो हम उस चीज़ को विजय प्राप्त करते हैं, उस समस्या से हम पार होते हैं। तो हम तो दोस्तों सभी को खुश खुश पास्का परब, पास्का परब की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी बच गए हैं दो, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।